हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एडजेक्टिव एंडिंग सीख रहे हैं एडवांस लेवल पे। सो बेसिक लेवल के आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। एडवांस लेवल पे कई कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि एडजेक्टिव में तो एंडिंग आता है, लेकिन एडजेक्टिव की अगर कंपेरेटिव फॉर्म हो, सुपरलेटिव फॉर्म हो, तो उसमें भी आता है क्या? यस, उसमें भी आता है। टेबल वही लगेंगी वैसे ही, जैसे मान लो गुड है तो गुड का बेसर हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं आई हैव ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट में लगेगा ना। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल में लगेगा सुपरलेटिव में। बेसर के गुड का बेसर हो गया तो बेसर के कैसे लगेगी एंडिंग? बेसर का हो जाएगा बेसरस, बेसरम। ये वो बेसरम नहीं है, राइट? सो एयर गेट मिट बेसरम फ्रॉइंड, तो बेसरम यहां पे एंडिंग लगा है मैस्कुलिन का डाटिव, मिट के कारण डाटिव हुआ है ये, फ्रॉइंड मैस्कुलिन है। तो टेबल आप वापस देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार में समझ में नहीं आएगा, राइट? बिना टेबल के केवल हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ में नहीं आती। खैर, इसमें हम बात कर रहे हैं कि कंपेरेटिव जब होता है तो नॉर्मली तो आपको पता है ER लगा देते हैं हम लोग, जैसे शोन का कंपेरेटिव शोनर होता है, राइट? तो ज्यादातर केसेस में तो आप सिंपल शोन का कंपेरेटिव करते हो, क्योंकि एंडिंग तो उसके बाद ही लगाओगे, तो ER ज्यादातर मामलों में कंपेरेटिव में ER लगता है, सिंपल। बिलिस का हो गया बिलीगर, सपोज बिलिस चीप, तो बिलीगर कंपेरेटिव में, ऐसे हो गया ज्यादातर मामलों में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंग्लिश की तरह ही है, चीप का चीपर। कुछ स्पेशल केसेस मैंने आपको A1 A2 वाले वीडियोस में भी बताए थे किस तरह से काम करता है, बट यहां पे आपको ये चीज लर्न करनी बहुत जरूरी है कि ये कंपेरेटिव में ER तो लगता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें उमलाउट भी लगता है। अगर आप उमलाउट नहीं लगाओगे और सीधा ER लगा दोगे तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। ये कुछ एडजेक्टिव मैंने निकाले हैं, छांटे हैं। कहने को तो कहते हैं कि कोई भी छोटा वर्ड है और उसमें अगर वोवल आ रहा है तो उसमें उमलाउट लगा दो, बट फिर उसके भी एक्सेप्शन होते हैं। तो मैंने क्या किया, ये लिस्ट आपके लिए निकाली है कि इनमें तो आपको हर बार लगाना है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, तो ये लर्न कर लोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी एडजेक्टिव एंडिंग को लेके। मस्ट उमलाउट मतलब इनका कंपेरेटिव जब भी करोगे तो उमलाउट लगेगा ही लगेगा ER के साथ। उमलाउट तो AOU में ही लगेगा ऑफ कोर्स, तो यहां पे स्टार्क का हो जाएगा स्टैरकर। लर्न कर लो आप इनको स्टैरकर, और फिर एंडिंग इसके बाद आएगी, ठीक है? आल्ट का हो जाएगा एल्टर, आर्म का एर्मर। लिखने की जरूरत नहीं है, सारा आप समझ गए होंगे। वार्म का वैर्मर, डुम का ड्यूमर, ग्रियोबर, हेरटर, यूंगर। तभी आप सोचते होंगे कभी कभी ये उमलाउट कहां से आ गया। केल्टर, लेंगर, शेरफर। सिंपल है मीनिंग, भी डिक्शनरी में भी देख सकते हो, मैं क्यों बढ़ाऊं वीडियो लंबा। और ये वो एडजेक्टिव है जिसमें उमलाउट नहीं लगेगा, क्योंकि ये सीखने के बाद आप इसमें लगाना शुरू नहीं कर दो। फ्लैक, फ्लैट जो होता है, फ्रो हैप्पी, सो इसका फ्लाखर होगा नो उमलाउट कंपेरेटिव में, और एडजेक्टिव तो उसके बाद लगता है ना। क्लार का क्लारर, राश का जो क्विक इन एक्शन राशर, रो जो अभी तैयार नहीं है, अभी अध पका ही है, रोअर, श्लांक स्लिम बॉडी, श्लांकर, स्टोल्सर, टोलर, फोलर और सार्टर। ये इसमें आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो कोई बोले इश हाबे आइनन एल्टरन ब्रूडर, तो ये ब्रूडर मैस्कुलिन के हिसाब से आपने अकुजाटिव तो कर दिया, लेकिन ये उमलाउट लगाना बहुत जरूरी है, ईएन तो लगेगा। तो सबसे पहले आपको लास्ट वीडियो में जो बताया वैसे टेबल लर्न करनी है, कौन सी टेबल कहां लगेगी, और फिर ये भी एक स्पेशल रूल है, ये आपको देखना है। अब मैं आपको एक टेस्ट है मेरे पास, वो दिखाता हूं कैसे हम लोग उसको फिल करते हैं। डंग शोन फ्रॉइंड है।